गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लेसन 9 लाल बहादुर शास्त्री का रिवीजन करेंगे और पहले लेसन की रीडिंग करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर समझेंगे। लाल बहादुर शास्त्री लाइब्रेरी, और इसमें जो है पहले लेसन रीडिंग करते हैं और इसके बाद जो है, तो आप लोग अपनी किताब खोल लीजिए और शब्दों को ध्यान देना है। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश के समीप एक छोटे से गांव रामनगर में हुआ था। उनके पिता शारदा प्रसाद के निधन के बाद माता राम दुलारी ने उनका लालन पालन किया। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव में पूरी की। वे आगे पढ़ना चाहते थे। किंतु उनके पास नाव वाले की मजदूरी देने के लिए 2 पैसे जुटाना भी मुश्किल था, पर उन्होंने हार नहीं मानी। लाल बहादुर तैरने में ही नहीं पढ़ाई में भी अव्वल थे। लाल बहादुर शास्त्री ने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की राह पर चल पड़े। शास्त्री जी को इलाहाबाद की नैनी जेल में रखा गया। उनके जेल में रहते समय उनकी पुत्री पुष्पा गंभीर रूप से बीमार पड़ी। अंग्रेजी हुकूमत ने इस स्थिति का लाभ उठाना चाहा। शास्त्री जी अंग्रेजी हुकूमत के सामने कभी नहीं झुके। देश स्वतंत्र होने पर वे रेल मंत्री बनाए गए। एक बड़ी रेल दुर्घटना होने पर उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। नेहरू जी के निधन के बाद 2 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। सन 1965 में पाकिस्तान ने भारत से लड़ाई छेड़ दी। उन्हीं दिनों देश में अनाज की भारी कमी थी। शास्त्री जी ने अपने भाषण में कहा, हमें अपनी रक्षा के लिए सीमा पर खून और खेतों में पसीना बहाना होगा। हमारा नारा है जय जवान जय किसान। शास्त्री जी ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। पाकिस्तानी सेना को मुंह की खानी पड़ी, पर युद्ध के बाद अचानक 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी का हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। दिल्ली में उनकी समाधि विजय घाट पर बनी है। सभी अपनी श्रद्धा सुमन चढ़ाकर भारत माँ के लाल को नमन करते हैं। तो इस प्रकार से यह आपका लेसन है लाल बहादुर शास्त्री, इसे आपने सुना। और अब इस पाठ में दिए गए जो शब्द हैं उनके शब्दार्थ, उन्हें भी आपको लिखना है, याद करना है, उन्हें भी देख लीजिए। महान, बड़ा, स्वतंत्रता, आजादी की लड़ाई, संग्राम, युद्ध, स्वतंत्रता संग्राम, आजादी की लड़ाई, संग्राम का अर्थ है युद्ध, सेनानी, सैनिक, दांतों तले उंगली दबाना, दंग हो जाना, हंसी खेल ना होना, असंत काम ना होना, अव्वल, प्रथम,
या सर्वश्रेष्ठ राह रास्ता दुर्घटना अशुभ या दुखद घटना त्याग पत्र इस्तीफा नैतिक नीति के अनुसार निधन मृत्यु खून बहाना बलिदान देना पसीना बहाना मेहनत करना करारा जवाब कड़ा जवाब देना मुंकी खाना बुरी तरह हारना समाधि सौ दाह स्थल पर बनाया गया स्मारक श्रद्धा सुमन आदर भाव से नमन आदर पूर्वक छूटना या प्रणाम करना या नमस्कार गुदड़ी का लाल साधारण घर में जन्मा असाधारण गुणी व्यक्ति को गुदड़ी का लाल कहते हैं। तो इस प्रकार से यह आपके शब्दार्थ के लिए। अब बारी आती है अभ्यास कार्य की। तो इसमें हम देखते हैं बोध प्रश्न जो दिए हैं अभ्यास में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब और कहां हुआ? आपको सही उत्तर सार्थक शब्दों में देना है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश के समीप मुगल सराय उत्तर प्रदेश में है। मुगल सराय के समीप एक छोटे से गांव रामनगर में हुआ था। फिर सुने एक बार, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय के समीप एक छोटे से गांव रामनगर में हुआ था। मुगल सराय कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये आपकी जानकारी के लिए। दूसरा प्रश्न जो खान नंबर का दिया है, लाल बहादुर शास्त्री के माता पिता का नाम लिखिए। इसमें आपको लिखना है लाल बहादुर शास्त्री जी के पिता का नाम शारदा प्रसाद तथा उनकी माता का नाम राम दुलारी था। यह आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 3, लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो आपको लिखना है लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में हुई थी, या आप दूसरी तरह से इसको लिख सकते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव रामनगर में हुई थी, उनके गृह ग्राम रामनगर में हुई थी, ऐसा लिख सकते हैं। फिर है चौथा प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री जी तैर कर किस नदी को पार करते थे? इसमें आपको लिखना है लाल बहादुर शास्त्री जी तैर कर गंगा नदी को पार करते थे, ऐसा लिख। फिर है लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रारंभिक शिक्षा के लिए किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ा? लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रारंभिक शिक्षा के लिए रास्ते में आए व्यवधान, जिसमें नाव की मजदूरी देने के लिए पैसे ना होने पर वे गंगा नदी तैर कर पढ़ने जाते थे। तो इसमें अब एक ये है जो मैंने अभी बताया। दूसरा आप लिख सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के पास स्कूल विद्यालय जाने के लिए गंगा नदी को पार करके जाना पड़ता था, जिसमें नाव की मदद से उस पार जाना होता था। उनके पास पैसे न होने पर वे गंगा नदी को तैर कर पार करते और विद्यालय जाते। लाल बहादुर शास्त्री जी के चरित्र की 2 विशेषताएं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी की चरित्र की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, लाल बहादुर शास्त्री जी बहादुर और साहसी थे। दूसरी विशेषता, वे ईमानदार थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेल दुर्घटना होने पर क्या किया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेल दुर्घटना होने पर स्वयं को दोषी मानते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके सभी प्रश्न हैं और उनके उत्तर हैं, इनको हम लिख सकते हैं। और अभी आपने इनको सुना, बिल्कुल उसी प्रकार से आपको लिखना है, पढ़ना है।
और याद करना है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब और कहां हुआ। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दो अक्टूबर 1904 को मुगलसराय ये जो उत्तर प्रदेश में है इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, मुगलसराय उत्तर प्रदेश के समीप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये छोटे से गांव रामनगर हुआ था। इस प्रकार से ये पहला उत्तर है आपका, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय या प्रदेश है, छोटे से गांव रामनगर में हुआ था। इस तरह से पहला उत्तर कंप्लीट होता है। सुनो देख रहे लाल बहादुर शास्त्री जी के माता पिता का नाम लिखना है। Thank you.
लाल बहादुर शास्त्री के पिता का नाम सर तथा माता का नाम राम दुलारी का लाल बहादुर शास्त्री जी के पिता का नाम सादर्शक तथा माता का नाम राम दुलारी था। तीसरा प्रश्न देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? उनके गांव रामनगर में हुई थी। रामनगर में हुई थी। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव रामनगर में हुई थी। ये तीसरा प्रश्न का है। चौथा प्रश्न देखते हैं, लाल बहादुर जी तैर कर किस नदी को पार करते हैं? Thank you.
लाल बहादुर लाल बहादुर जी तैर कर गंगा नदी को पार करते थे। तो इस प्रकार से ये उत्तर लिखने हैं। इसके आगे के अभ्यास कार्य के अगले लेक्चर में करेंगे।